कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम को गिरफ्तार करने के लिए इंदौर की पुलिस ने उनके घर पर दबिश दी, लेकिन बम घर से फरार मिले। 17 साल पुराने मामले में कोर्ट के आदेश पर धारा 307 का इजाफा हुआ है। इसके बाद उन्हें 10 मई को जिला अदालत में पेश होना था, लेकिन बम अदालत नहीं पहुंचे। कोर्ट ने बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस मामले में पुलिस कह रही है कि बम की घर समेत कई जगहों पर हम तलाश कर रहे हैं, उनको खोज रहे हैं, लेकिन वो अभी तो नहीं मिल रहे हैं। अक्षय कांति बम जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये पुलिस भरोसा दे रही है। जी, अक्षय कांति लाल बम जिसके विरुद्ध में अप्रैल के दिनांक में न्यायालय के द्वारा 307 का धारा इजाफा किया गया था, जिसके पश्चात में 10 मई की पेशी उनकी लगाई गई थी, जिसमें 10 मई को उनके वकील के द्वारा एक हाजिरी माफी का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो कि न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया। उसके पश्चात में उनके विरुद्ध में एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जो कि खजराना थाने को प्राप्त हुआ है। उनकी अगली पेशी 8 जुलाई 2024 की लगाई गई है, जिस तारीख को न्यायालय के आदेश अनुसार हमें उन्हें गिरफ्तार करके 8 जुलाई तक पेश करना है। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, अक्षय कांति बम अब घर पर भी नहीं मिल रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले वो इसी घर में तमाम नेताओं के साथ वो लंच करते हुए नजर आए थे, घर पर भी नहीं मिल रहे हैं, पुलिस को कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। हालांकि 10 जुलाई तक पुलिस को गिरफ्तार उनको करना है। जी बिल्कुल, और ये वही अक्षय कांति बम है जिन्होंने इंदौर में राजनीतिक बम फोड़ा था। इसके बाद राजनीति में चर्चाओं में भी आए थे, बीजेपी के नेता हैं, कुछ दिन पहले तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता उनके साथ घूम रहे थे, बड़े बड़े मंच पर बैठते हुए नजर आए थे, लेकिन इस वक्त अक्षय कांति बम फरार हैं। उनके घर पर पुलिस ने सर्चिंग किया है, वो वहां नहीं मिले हैं। जो अलग अलग उनके लोकेशन है, जो अलग अलग जो उनके फार्म हाउस है, अलग अलग जो उनके ठिकाने हैं, वहां पे भी इंदौर की पुलिस जा रही है उन्हें तलाशने के लिए, लेकिन अक्षय कांति बम का कहीं अता पता नहीं है, क्योंकि अक्षय कांति फरार है। हत्या का प्रयास जो है 307 उस केस में फरार चल रहे हैं। कोर्ट ने पहले समय दिया था, मोहलत दी गई थी, समय पर नहीं पहुंचे। कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अब पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके पिता पुत्र अक्षय और उनके पिता दोनों लोगों को कोर्ट में पेश करे। अब न्यायालय में पेश करना है जुलाई में, उसके पहले पुलिस को तलाशना है और अक्षय कांति बम को कोर्ट में पेश करना है। लेकिन कुछ दिन पहले ही जिस घर पे आज पुलिस ने सर्चिंग किया है, कुछ दिन पहले तक इन जो खजराना पुलिस है तो उसी जगह पर सुरक्षा कर रही थी, घर की सुरक्षा मौजूद थे पुलिसकर्मी, जिसको लेकर कांग्रेस ने काफी हंगामा भी किया था कि अगर एक तरफ पुलिस कह रही है कि अक्षय कांति बम को तलाशना, अक्षय कांति बम को पकड़ना है, तो पुलिस तो घर की सुरक्षा दे रही है और पुलिस को बेहतर पता है कि वो कब घर से निकलते कब नहीं निकलते। शायद इस पूरे हंगामे के बाद में घर से जो पुलिस सुरक्षा थी वो भी हटा दी गई है। अब अक्षय कांति बम की सरगर्मी से बहुत तेजी से खजराना पुलिस को तलाश है, क्योंकि खजराना पुलिस को कोर्ट का आदेश मिल चुका है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार कर अक्षय कांति बम उनके पिता को कोर्ट में पेश करे। तो अक्षय कांति बम की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और अब हाई कोर्ट में भी ये पूरा मामला सेशन कोर्ट का है, हाई कोर्ट में भी जो फरियादी है जिनके आवेदन पर ये पूरा मामला चल रहा है, जिनके शिकायत पर 307 धारा बढ़ाई गई थी, अभी पूरे मामले को हाई कोर्ट में भी लेके पहुंचे हैं वो। हाई कोर्ट में भी जो अग्रिम जमानत की लगी थी वो खारिज कर दी गई है। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जल्द से जल्द सेशन कोर्ट का जो ऑर्डर है गिरफ्तार करे और कोर्ट में पेश करे। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग घोटाला हुआ, इसमें बड़ी चीज सामने आई है। सीबीआई की टीम जांच कर रही थी और बहुत बड़ा खुलासा इस मामले में सीबीआई की टीम ने किया है। खुलासा क्या है? बताया यह गया कि सीबीआई के ही 3 अफसर बिचौलियों के साथ मिलकर नर्सिंग कॉलेजों को क्लीन चिट देने का काम कर रहे थे। इसके बदले में उन्हें मोटी रकम रिश्वत के तौर पर मिलती थी। सोमवार को सीबीआई ने 2 बड़े अधिकारियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया था। अब तक इस मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एमपी के अधिकांश नर्सिंग कॉलेज सिर्फ कागजों पर चल रहे थे, उनकी जगह स्कूल संचालित किए जा रहे थे। कागजों में एपीएस एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंस है, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो मौके पर स्कूल चलता हुआ पाया गया। एपीएस एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंस कॉलेज को पैसे लेकर सीबीआई की जांच में सूटेबल लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। इस घोटाले में बीजेपी पार्षद सूर्यकांत गुप्ता का भी नाम सामने आया, जो स्कूल और नर्सिंग कॉलेज संचालित करता है।
वासु हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। वासु, विडंबनाएं कही जाएगी कि जो जांच कर रहे थे उन्होंने भी पैसे खाने शुरू कर दिए, हद हो गई, कितने सारे छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया, कितने लंबे वक्त बाद परीक्षा हुई है नर्सिंग छात्रों की, और इधर यहां पर अमानत में खयानत, या कहें कि जिसको जो जांच कर रहा था वही जो है पैसे लेकर के क्लीन चिट बांटने का काम कर रहा था। देखिए, मध्यप्रदेश में जिस तरह से नर्सिंग महाघोटाला सामने आया है, अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं, सवाल उन पर भी खड़े हो रहे हैं जिन्होंने कॉलेजेस खोलने के नाम पर तमाम जो शर्तें हैं उसमें इतनी भारी छूट दी या नियमों की अनदेखी करी और उसके बाद परमिशन दे दी गई, और जहाँ कॉलेजेस का संचालन होना था वहां पर कई तरीके की अनियमितताएं चल रही थी, जांच करने वाले अधिकारियों को लगातार रिश्वत देने का काम किया जा रहा था, और कॉलेज संचालक भी जिन्होंने ये कहकर परमिशन मांगी थी कि हम बेहतर भविष्य छात्र छात्राओं का तैयार करेंगे, लेकिन वो पूरी तरह से उससे खिलवाड़ कर रहे थे। इस पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद सीबीआई के द्वारा जांच की गई और सीबीआई के ही जो अफसर हैं वो इसमें धांधली में लिप्त पाए गए, तो उनका उनके नाम भी सामने आए हैं, और इसके अलावा करीब एक दर्जन से अधिक लोगों पर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, उन्हें आरोपी बनाया गया, कल कोर्ट में पेश किया गया था, और उनकी जो रिमांड है वो 29 तारीख तक की मांगी गई है, और अब वो गिरफ्तार उनको करके पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, और उनकी लगातार पूछताछ जारी है। इस पूरे मामले में आने वाले समय में कई और बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं, और इस पैकेट में कितने अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं और ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं और क्या मध्यप्रदेश के कोई अलग अलग हिस्सों में भी इस तरीके के कॉलेजों का संचालन किया जा रहा है, फिलहाल सीबीआई इस पूरी की भी जांच कर रही है। अब बिल्कुल वाकई में ये भी हैरान कर देने वाला है कि बीजेपी का एक पार्षद जो स्कूल चला रहा था कागजों में वो नर्सिंग कॉलेज था, और पता चला मौके पर जाकर देखा तो वो स्कूल है, लेकिन उसके बावजूद उसे क्लीन चिट मिल जाती है। बड़ा हैरान कर देने वाला, पूरी कार्रवाई सवालों के घेरे में नजर आई है, आप जाकर खुलासे हुए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।